सात आठ नौ सालों से मैं खुद इस मुहिम से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पर हम हर साल बीच क्लीनअप के लिए जाते हैं, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणपति जी बनते हैं वो प्लास्टिक्स की बनते हैं और वो बहुत पर्यावरण को नष्ट करता है। लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी बेइज्जती होती है, क्योंकि उनको हम तो समुंदर में बहा देते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं, क्योंकि मिट्टी के नहीं बने होते, पानी में नहीं घुल पाते, तब वहाँ से जो उनको बुलडोजर से सफाई होती है उनकी, उनका कहीं हाथ लगा है, कहीं सर लगा है, बहुत बहुत दिल टूटता है ये देखकर। तो खुशी की बात ये है कि हर साल जो संख्या लोगों की है जो घर ग्रीन गणपति लेकर आ रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। तो हम बेसिकली हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसकी तरफ वापस जा रहे हैं। और जो समझ और जानकारी है इस बात की कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टिक से बना हुआ है, वो पर्यावरण के लिए बुरा है और एक तरह से अपमान है उन देवता का जिन्हें हम पूजते हैं। सी आई फील आई ऑलवेज वंडर अबाउट दिस ना रानी। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि क्यों लोग अभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति जी घर लेकर आते हैं। या वो ही छोड़िए, आप जब डेकोरेशंस की बात करते हैं उसमें भी बहुत प्लास्टिक का उपयोग होता थर्माकोल है, थर्माकोल, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो पर्यावरण में 400-500 साल तक रह जाता है और सबको नष्ट करता है। जो पेंट यूज़ होता है, लेड, बहुत बुरे केमिकल्स होते हैं उसमें, वही हमारे मच्छी के पेट में जाता है, वही हमारे पेट में आता है। ये भी, ये जानते हुए भी लोग क्यों अभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ले आ रहे हैं? आई थिंक ज़्यादातर जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ देखते हैं, मेरी समझ के हिसाब से, वो उन्हीं लोगों का होता है जो स्पॉन्सर्ड होते हैं। क्योंकि जितने भी सामाजिक गणेश उत्सव होते हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं या बिल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर तो वही देखा गया है। तो जब तक लोग उन्हें नहीं बोलेंगे कि यू कैन डू बेटर, दे आर नॉट गोइंग टू डू बेटर। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उन लोगों से बोले कि इस बार जब स्थापना होगी तो आप इको फ्रेंडली गणपति जी ही लगाएंगे। बड़े से मतलब नहीं होता, क्योंकि आई थिंक वो बड़ा मूर्ति बनाने के चक्कर में इट गोज़ इन टू अननेचुरल मटीरियल्स। हमारे घर, हमारे सोसाइटी, हमारे मोहल्ले में छोटे गणपति जी भी आएंगे तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो धरती से बने होंगे और वो धरती से मिल जाएंगे। जो तो मैं हैदराबाद में पली बड़ी, तो हमारे जो इमामी जी का घर था, उनके मोहल्ले में बहुत धूमधाम से गणेश जी की स्थापना होती थी। और मतलब पूरे कितने नौ नौ दिनों तक नौ उनको रखते थे, और हर शाम बहुत मतलब लोग आते थे दर्शन करने के लिए। तो हम बैठ के जो भी मीठा प्रसाद बनता था वो हम बनाते थे। तो एक छोटी छोटी गोलियां होती हैं आटे की, जिसको शक्कर में तलते हैं, यू नो व्हाट दैट इज, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, वो हम लोग बैठ के ऐसे हाथ से बनाते थे। उसकी मेमोरीज बहुत है। और हंसते खेलते धूम मचाते हुए घर के सारे लोग मिलकर ये बनाते थे, पूरा प्रसाद और मोदक और हर चीज़, बड़ा मज़ा आता था। मैं इतना कहूँगी कि 12 साल हुए हमें बिग ग्रीन गणेशा ये कैंपेन शुरू करते हुए, और यकीन मानिए मैं थी उस वक्त जब ये कैंपेन शुरू हुआ था, उसका पहला साल था। लोगों को इको फ्रेंडली गणपति क्या है ये पता ही नहीं था। लोगों को ये बताना कि इको फ्रेंडली गणपति या इको फ्रेंडली गणेश उत्सव हो सकता है, हमें इसमें ज़्यादा मेहनत लगती थी, आप समझ रहे। तो हमारा अवेयरनेस कहाँ से शुरू हुआ है? आज भी हम लोग जब जाते हैं बीच पे, तो मैं जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन मेरा पूरा शो डेडिकेटेड होता है, मैं बीच पे जाकर एक एक इंसान से पूछती हूँ ये इको फ्रेंडली है या नहीं। अभी भी बहुत काम बाकी है ऐसा लगता है, हर साल ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत काम बाकी है। कुछ लोग कहते नहीं वो सुंदर नहीं लगते सुंदर के चक्कर में, या कुछ लोग ऐसे, अरे हमें तो पता ही नहीं था, इस चक्कर में चीज़ें हो नहीं पाती हैं। टॉकिंग अबाउट द एसोसिएशन विद दिया, ये परफेक्ट एसोसिएशन है, क्योंकि मैं पर्सनली दिया को जितने सालों से जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि पर्यावरण की कितनी चिंता है। इन्हें तो नाइटमेयर्स भी आते होंगे मेरे ख्याल से, कि बारिश नहीं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है ना, ये रोते, मैंने रोते हुए देखा है इन्हें। तो
जब कोई पूरी ईमानदारी के साथ पूरे दिल के साथ किसी चीज़ से जुड़ता है तो वो मैसेज दूर दूर तक जाता है। और शायद यही मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार थैंक यू सो मच दिया, क्योंकि आपकी प्योरिटी इस कैंपेन के साथ जुड़ी है। तो यस, ये प्योर मैसेज इको फ्रेंडली गणपति और गणेश उत्सव का ज़रूर लोगों तक जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू। अगर हम ये बात समझ ले कि हम पर्यावरण का हिस्सा है, हम पर्यावरण से अलग नहीं हैं, और जो चोट हानि हम पर्यावरण को पहुंचाते हैं वो चोट और हानि हम अपने बच्चों को पहुंचा रहे हैं, ये इतनी सी बात लोगों के ध्यान में आ जाए तो बहुत फर्क आ सकता है।